प्राचा सामने एक के बाद एक तथ्य रखे कि किस तरह भारत का लोकतंत्र खतरे में है। अच्छा, ये लोग बीजेपी, खासतौर से मोदी जी, क्यों कराना चाहते हैं ईवीएम से? मतलब आपको क्या लगता है, बेईमानी होगी? सिर्फ वही व्यक्ति ईवीएम से चुनाव कराना चाहेगा जिसके मन में चोरी और पाप है। ईवीएम तो कांग्रेस ने कराई थी, वो कहते हैं कांग्रेस लेकर आई थी, तो कांग्रेस लेकर आई थी तब धोखा नहीं था, हम करा रहे तो धोखा है। बीजेपी हार कहां रही है वो मुझे बता दीजिए। लोग सड़क पे रोक के हमें कहते हैं ये ईवीएम के मुद्दे से पीछे मत हट जाना, वरना हम आप लोगों को माफ नहीं करेंगे। आप लोग सामाजिक संगठन के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, विपक्ष इस मुद्दे को क्यों इतना कष्ट उठा रहा? आज की तारीख में बीजेपी के हाथ में क्योंकि ये तलवार चोरी करने की आ गई है, तो वो उसके पीछे अपनी जान लगा देंगे। ये तो 543 की 543 सीटें जीत सकते हैं। बीजेपी के अंदर के लोग भी ईवीएम के खिलाफ हैं। बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं। खतरनाक नहीं, मैं लॉजिकल बात कह रहा हूँ। आप तो मुझसे कोई बड़ा नाम दिया उसने, घर घर मोदी और हर मोदी। हम मान लीजिए ईवीएम तो हटेगी नहीं, बीजेपी तो नहीं हटाएगी, फिर क्या करेंगे आप? जनता हटाएगी ना, मोदी जी क्यों हटाएंगे? अगर उनको बुरी लग गई ना बात, तो वो कहेंगे लो मैंने पेपर बैलेट से चुनाव कर। आप कितना भी चढ़ा लीजिए, इतने पानी में चढ़ेंगे नहीं। नहीं चढ़ेंगे, बहुत होशियार हैं। इतना नहीं, आप कह देंगे वो करा देंगे। आपको डर नहीं लगता अमित शाह जी के लिए, मोदी के लिए? ऐसे ऐसे बोल देते हैं। मोदी जी क्या है, मोदी जी तो इस जनता के नौकर हैं, और उसको और ऐसे नौकर हैं जिसको जनता पसंद भी नहीं करती। ईवीएम हट गई तो प्राचा साहब चुनाव लड़ेंगे? नहीं, प्राचा साहब चुनाव तो ईवीएम से लड़के भी जीत सकते हैं। कैसे? प्राचा साहब ने ये सब तो लड़ाई लड़ी है, लेकिन देश के सबसे ईमानदार पत्रकार के भी सलाहकार वकील नहीं है वो। तंज का आपने सिस्टम आपने भी इख्तियार कर लिया। नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। पिछले दिनों कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, डॉक्टरों ने कहा रेस्ट करो, तो मुझे लगा आज संडे का दिन है तो मैं आज घर पे आराम कर रहा था। मेरे ऑफिस से फ़ोन आया कि एक शख्स आए हैं ऑफिस से मिलने के लिए, और जब मैंने नाम सुना तो बस मेरे को तो बुखार और गला सब एक झटके में बराबर, मैंने गर्म पानी पिया और ऑफिस की तरफ आया। एक शानदार बहादुर शख्स मेरे ऑफिस में आया। कई लोग होते हैं अपने अपने पेशों में काम कर रहे होते हैं, कई अधिवक्ता मेरे दोस्त हैं, एक ऐसी अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के लॉयर हैं, लेकिन जिनके कामों ने उनको पूरी दुनिया भर में एक अलग पहचान दिला दी। पिछले कुछ दिनों से वो खासे लोकप्रिय हो गए हैं, चर्चित हो गए, क्योंकि वो एक ऐसी मुहिम को आगे चला रहे हैं जो मुहिम भारतीय लोकतंत्र का चेहरा बदल देगी। अब आप सोच रहे होंगे मैं किस शख्स की बात कर रहा हूँ। मुलाकात कराता हूँ महबूब प्राचा साहब से। आप देख के समझ गए होंगे ईवीएम हटाओ एक अभियान की शुरुआत जब प्राचा साहब ने की, और प्राचा साहब ने एक के बाद एक तथ्य रखे कि किस तरह भारत का लोकतंत्र खतरे में है, और पिछले दिनों दिल्ली में एक बड़ा प्रदर्शन करके दिखाया कि ईवीएम कैसे मैनेज होती है। तो आज प्राचा साहब मेरे साथ है। प्राचा साहब, मेरा सौभाग्य कि आप जैसा बहादुर आदमी आज मेरे साथ बातचीत कर रहा है, बहुत बहुत स्वागत है। लखनऊ में आप दिल्ली से आए और आज भी एक बड़े मूवमेंट को लेकर आए, जो तैयारी कर रहे हैं आप, प्राचा साहब जो लड़ाई लड़ रहे हैं आप, चुनाव में बहुत कम बचा है समय, बचा है 2 महीने बचे हैं, क्या लगता है कि आपको इतने कम समय में ईवीएम हट पाएगी? देखिए, सबसे पहले तो आपने मेरी तारीफ की, और मैं आपके ऑफिस में आया तो मैं बहुत कम पत्रकारों के ऑफिस में जाता हूँ, तो मुझे आपको एक रिवर्स कॉम्प्लीमेंट देना ज़रूरी है, और ये सच्चा कॉम्प्लीमेंट है, झूठा नहीं है। आप एक बहादुर और वेल रिसर्च्ड पत्रकार हैं, ये कॉम्बिनेशन बहुत कम होता है। तो खैर, हाँ देखिए, टाइम बहुत कम नहीं, बहुत ज़्यादा है, और ये आंदोलन मैंने या हमारे मुट्ठी भर साथियों ने, भानु जी ने, डीसी कपिल साहब ने, राजेंद्र पाल गौतम जी ने और रिजा साहब ने नहीं किया है, बल्कि जनता ने, जो हमारे देश की मालिक है, हम लोगों की भी मालिक है, क्योंकि हर वो व्यक्ति जिसको जनता प्यार देती है या किसी पद पे बिठाती है वो उसका नौकर होता है, तो उन्होंने हमारी ये जिम्मेदारी लगाई है। ये उनका आंदोलन है, ये उनका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एक तरीके से विश्वास है, जो जनता ने हमसे ये कहा कि आप हमारे ईमानदार नौकर हो, आप इस लड़ाई को लड़ो, और जो नौकर हमारे बेईमान हैं, प्रधानमंत्री जी जैसे नौकर हमारे हैं, जनता ये कहती है, लेकिन वो बेईमान हो गए, होम मिनिस्टर साहब अमित शाह जी हमारे नौकर हैं लेकिन बेईमान हो गए, इलेक्शन कमीशन के लोग नौकर हमारे हैं लेकिन बेईमान हो गए, तो आप हमारे ईमानदार नौकर हो, आप लोग ये हमारी आवाज़ वाली लड़ाई लड़ो, और आप हमसे गद्दारी मत करना।
वरना हम आपसे भी बहुत ज्यादा नाराज होंगे और हमारा दिल टूट जाएगा। तो हम जनता का दिल नहीं टूटने देंगे, भले ही हमारी जाने चली जाएं। अब जहां तक टाइम की बात है, देखिए मैं ये बात तथ्यों के साथ कहता हूं और बार बार कही है, आज मैं दोहराऊंगा नहीं उस बात को, लेकिन उसका ये मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं कि मैंने मोदी जी को, उनके अटॉर्नी जनरल साहब को, सॉलिसिटर जनरल साहब को, इलेक्शन कमीशन साहब को और उनके लॉ मिनिस्टर को ये ओपन चैलेंज दे रखा है आपके चैनल पे आके या किसी भी ईमानदार पत्रकार के चैनल पे आके लाइव डिबेट कर लें। मैं कानून से, जो कानून पार्लियामेंट ने पास किया हुआ है, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट और जो उसके तहत बने हुए रूल्स हैं 1961 से लेकर 1992 तक और 2016 तक भी, उसके हिसाब से मैं ये दिखा दूंगा कि भारत देश का जो कानून आज है, और ये बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, वो पहली चॉइस जो है, पहला तरीका जो है, जो प्रेफर्ड तरीका है, वो बैलेट पेपर से है भारत के कानून के हिसाब से जो आज है। और अल्टरनेटिव है उसका, मे शब्द का प्रयोग हुआ हुआ है सेक्शन 61 कैपिटल ए में, कि वोटिंग ईवीएम से भी कराई जा सकती है, मगर करानी पेपर बैलेट से, ये भारत का कानून है और उसके लिए सारा निज़ाम और सिस्टम बन के तैयार है। दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि, और इस बात पे मैं डिबेट करने को तैयार हूँ, मैं सारे प्रावधान जो पार्लियामेंट ने बनाए उसी से बात करूँगा, उसके बाहर बात नहीं करूँगा। दूसरी बात यह है कि पेपर बैलेट से चुनाव जल्दी होते हैं ईवीएम से, पेपर बैलेट से चुनाव सस्ते होते हैं ईवीएम से, और पेपर बैलेट से चुनाव सुरक्षित होते हैं ईवीएम से, और पेपर बैलेट से चुनाव गुप्त रहते हैं, जो गुप्तता रखने की जो एक जिम्मेदारी है किसी भी इलेक्शन कराने वाले की और किसी भी इलेक्शन की, गुप्त भी पेपर बैलेट से रहते हैं। ईवीएम का एक भी फायदा नहीं है, हर ईवीएम से नुकसान है। सिर्फ वही व्यक्ति ईवीएम से चुनाव कराना चाहेगा जिसके मन में चोरी और पाप है, वरना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप ये बोलें, दो ऑप्शन दें, पेपर बैलेट से चुनाव कराना है या ईवीएम से कराना है, तो जो ईमानदार व्यक्ति होगा वो ज्यादा से ज्यादा ये कहेगा मुझे क्या फर्क पड़ता है, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, पेपर बैलेट से हो या ईवीएम से। अच्छा, ये लोग बीजेपी खासतौर से मोदी जी क्यों कराना चाहते हैं ईवीएम से, मतलब आपको क्या लगता है, बेईमानी होगी? नहीं नहीं, बेईमानी लगता नहीं है, बेईमानी करने के लिए ही चुनाव कराना चाहते हैं ईवीएम से, 400 पार कैसे होंगे? हमारा ऐसा कहना है, और थोड़ा सांकेतिक भाषा में कहूं तो, अगर मोदी जी पेपर बैलेट से चुनाव कराएं, तो मेरा ऐसा मानना है, अगर वो डर दबाव लालच के माध्यम से अपने खिलाफ एक भी कैंडिडेट ना खड़े होने दें, तो वो शायद नोटा से भी हार जाएंगे। इसलिए ईवीएम से चुनाव कराना है कि फिर जितने मर्जी जाए वोट ले लें, वोट ही सारे उनके हाथ में, मतलब जनता की चीज जो है वो अपने हाथ में उसका अपहरण करके चुनाव जीतना चाहते हैं, हम लोगों का ऐसा मानना है, वरना मोदी जी को क्या फर्क पड़ता है, 400 पार वो पेपर बैलेट से भी कर लें तो क्यों नहीं करा रहे। यही मैंने आपसे कहा ना, कोई भी ईमानदार व्यक्ति ये कहेगा अगर उसके सामने दो ऑप्शन है कि भाई आप किसी से भी करा लो, चुनाव निष्पक्ष होने चाहिए, पेपर बैलेट से करा लो या ईवीएम से करा लो, ईवीएम में अगर ये खामियां हैं जो कोई डिफेंड नहीं कर पा रहा, तो भाई पेपर बैलेट से करा लो। कौन अपनी जान दे देगा लेकिन ईवीएम से ही चुनाव कराएगा? कौन गली गली कूचे कूचे, जो इलेक्शन कमीशन चुनाव किसी पॉलिटिकल पार्टी को ईवीएम देखने के लिए नहीं देती थी, हाथ लगाने के लिए नहीं देती थी, गली गली लेके क्यों घूम रहे हैं वो? तो ये है बुनियादी बात कि इसमें धोखा है, इसमें फ्रॉड है, इसलिए उससे कराना चाहते हैं। ईवीएम तो कांग्रेस ने कराई थी, वो कहते हैं कांग्रेस लेकर आई थी, तो कांग्रेस लेकर आई थी तब धोखा नहीं था, हम करा रहे तो धोखा है। मैं तो सीधा सीधा सवाल आपके माध्यम से तीसरी बार रिपीट कर रहा हूं, जनता ये कह रही है और जनता तथ्यों के हिसाब से ये कह रही है, पूरी दुनिया में कहीं भी ईवीएम से चुनाव नहीं होते बड़ी डेमोक्रेसी में, आपको क्यों कराने? जहां जहां होते थे ईवीएम से चुनाव, वहां की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स ने यह कहा कि ईवीएम से चुनाव में धोखा होता है, धोखा हो सकता है, इसलिए पेपर बैलेट से चुनाव कराने, आपको क्यों कराने? इसीलिए मैंने ये कहा ना, कोई भी, क्या कांग्रेस से जाके आप पूछ लीजिए, क्या वो अगर ये कहेंगे कि ईवीएम से ही चुनाव कराएंगे नहीं तो हम जान दे देंगे अपनी, तब तो वो बेईमान है। अगर वो कहते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है पेपर बैलेट से करा लो या ईवीएम से करा लो, तब उनके मन में कोई ईवीएम से धांधली करने की मंशा नहीं है। अगर कोई जिद करता है, जैसी कि जिद अभी हो रही है, उससे ये पता लगता है, उससे ये साबित हो जाता है कि ये धांधली करना चाहते हैं ईवीएम से, वरना भाई इतनी ज्यादा जनता, 95% से ज्यादा जनता, और हमें, आप मेरे साथ सड़क पे, अपना जर्नलिस्ट या आप खुद ही आ जाइए मेरे साथ, लोग सड़क पे रोक के हमें कहते हैं ये ईवीएम के मुद्दे से पीछे मत हट जाना, वरना हम आप लोगों को माफ नहीं करेंगे, मॉब कर लेते हैं लोग हमें,
तो जब ऐसा माहौल देश में है तो फिर क्यों ईवीएम से प्रेम है? ये बात है, आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से पूछ लीजिए, वो पेपर बैलेट को मना नहीं करेगी। आप प्रचंड बीजेपी के लोग कहते हैं कि अगर सब जगह ईवीएम खराब ही है, बेईमानी है, तो हिमाचल है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, यहाँ कैसे रिजल्ट आ गए? देखिए, रिजल्ट ईवीएम के माध्यम से 20-25% वोटों की धांधली करने का सिस्टम इनके पास अभी था। तो ये जिस जगह गवर्नमेंट्स आई है ना, एक जो हमारा इसके बारे में जो हमारा ओपिनियन है वो ये है कि यहाँ बीजेपी ने 20-25% वोट अपने बढ़वा भी लिए, तब भी हारे हैं। बंगाल में बीजेपी का क्या मतलब है, आप मुझे ये बता दीजिए, फिर भी इतनी सीटें आई हैं, ईवीएम से आई हैं, हमारा ये दावा है। और तेलंगाना में 7% से ज़्यादा वोट बीजेपी के, क्या मतलब था, एक आधा परसेंट भी वोट नहीं आना था उनका, कैसे आ गया? तो बीजेपी हार कहाँ रही है वो मुझे बता दीजिए। हर जगह तो ईवीएम के माध्यम से जीती रही है ना, जहाँ उनका 0 वोट आना चाहिए था वहाँ 7.5% वोट आ रहा है, तो वो हारे या जीते? बात बुनियादी ये है कि ईवीएम से इतना प्रेम क्यों? जबकि मैं कह रहा हूँ, अब ये जो भ्रांति फैलाई जा रही है कि इसमें टाइम लगेगा, अब टाइम निकल गया है, अब नहीं हो सकता, तो मैंने उसका भी जवाब दे दिया आपको। मैं इलेक्शन कमीशन और सारे लॉ ऑफिसर्स से डिबेट करने को कानून के माध्यम से दिखा दूंगा कि ईवीएम से चुनाव कराना सेकेंड ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन सारी तैयारी चुनाव आयोग की और देश में सभी जो चुनाव आयोग के अधिकारी हैं उसमें समय अब भी कम लगेगा पेपर बैलेट से कराने में, और सारी तैयारी पेपर बैलेट की है। पेपर बैलेट छपता कब है? जब कैंडिडेट्स डिसाइड हो जाएं। ईवीएम की मशीन में घपलाबाजी करने का एक बड़ा तरीका कब होता है? जब कैंडिडेट तय होंगे, जब ही तो फिक्स होगा कि इसको वोट दिलवाने हैं। ईवीएम के जो एसएलईओ के माध्यम से जो सिंबल लोडिंग जो इनका यूनिट है उससे, उसके माध्यम से ही तो वोट डलवाने का कार्रवाई होगी, वरना ईवीएम को क्या पता बीजेपी कितने नंबर पे है, वो तो पता ही बाद में लगता है ना। उसी प्रकार से बैलेट पेपर भी कब छपते हैं? जब कैंडिडेट्स तय हो जाएं। कैंडिडेट्स कब तय होते हैं? जब चुनाव की डेट में सिर्फ 20 दिन बच जाते हैं, बल्कि एक्चुअली तो 14 दिन ही बचते हैं। जब सारे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट होने के बाद, स्क्रूटनी होने के बाद फाइनलाइज जो कैंडिडेट्स बचते हैं उसी के बाद तो बैलेट पेपर छपते हैं, और उसी के बाद ईवीएम में वो जो पट्टी लगती है या एसएलयू के माध्यम से ईवीएम को जो सिंबल्स और कैंडिडेट के नाम चढ़ाए जाते हैं वो तो 14 दिन पहले ही चढ़ाए जाते हैं ना, तो टाइम तो बहुत है। ये सब मिथ्या फैलाने के लिए, लोगों को ये दिखाने के लिए कि ईवीएम से चुनाव हो गई तो इस बार तो छोड़ दो कम से कम। तो इस धोखे में ना जनता आ रही है ना हम आ रहे हैं। हम देश के मालिक हैं, हम पेपर बैलेट से चुनाव कराना चाहते हैं, और उस हर व्यक्ति को हम चोर मानते हैं जो ईवीएम की बात करते हैं। लेकिन प्रचंड सर, आप लोग सामाजिक संगठन के लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं, विपक्ष इस मुद्दे को नहीं तक उठा रहा, कांग्रेस नहीं उठा रही, बाकी लोग भी थोड़ा बोला कहते हैं, लेकिन आपकी तरह सड़क पे आए मूवमेंट करें। इस देश में एक भी पॉलिटिकल पार्टी बीजेपी समेत ऐसी नहीं है जिसने ईवीएम का मुखर विरोध ना किया हो किसी ना किसी वक्त पे। आज की तारीख में बीजेपी के हाथ में, क्योंकि ये तलवार चोरी करने की आ गई है, तो वो उसके पीछे अपनी जान लगा देंगे। लेकिन बीजेपी में भी, मैं आपको ये आपके माध्यम से बता दूं, बीजेपी के भी बहुत सारे लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं कि भैया जी, ये जो अमित शाह जी और मोदी जी हैं, ये ईवीएम के माध्यम से हमें भी हरा देंगे ना, क्योंकि हम इनके मुकाबले कहीं ना कहीं, या ये हमें पसंद नहीं करते विभिन्न वजहों से। तो बीजेपी के अंदर खुद लोग, ये तो 543 की 543 सीटें जीत सकते हैं, जो ये 143 लोग बीजेपी के हारेंगे, एनडीए के हारेंगे, वो हमें अप्रोच कर रहे हैं कि भाई ईवीएम से तो ये हमें भी हरा देंगे। तो क्योंकि अपने दुश्मन पार्टी के अंदर भी तो खत्म करने हैं, तो बीजेपी के अंदर के लोग भी ईवीएम के खिलाफ हैं, कांग्रेस के लोग और दूसरी पार्टी के लोग। बड़ी खतरनाक बात कह रहे हैं। खतरनाक नहीं, मैं लॉजिकल बात कह रहा हूँ। आप तो मुझसे कोई बड़ा नाम भी है उसमें बड़े सारे बड़े नाम है, सब नजर नहीं आ रहा है आपको? मतलब ये तो 5 साल यही नाम है, बड़े गडकरी है, राजनाथ सिंह है, शिवराज सिंह चौहान है, योगी आदित्यनाथ है। अब आप ये देखिए, अगर ये चुनाव लड़े और इन सबकी जमानतें जब्त हो जाएं, तो क्या रहेगा, क्या होगा? मोदी, घर घर मोदी और हर मोदी, बाकी सब बेवकूफ अपनी तो पार्टी में। जो लोग संपर्क कर रहे हैं, मैंने जो नाम बताया इसमें से भी कुछ लोग हैं। अब ये रहने दीजिए, क्यों आप उनका ऐसे लोगों का कांड चुनाव से पहले ही कराना चाह रहे हैं? टिकट जाएंगे। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी साहब है, वो कह रहे हैं मुझसे अच्छा कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं होता। मोदी जी के बारे में चोर, लफंगा, लुच्चा, पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। अब मैं तो उनको कोट करके बात कहूंगा तो मुझे खुद शर्म आ जाएगी। वो ये कह रहे हैं
कि मोदी जी जो हैं देश के गद्दार हैं, मैंने तो अभी तक ये बात कही नहीं है। मोदी जी जो है चाइना से डरते हैं, मैंने भी ये बात नहीं कही। उनके पास तो ऑथेंटिक न्यूज़ होगी ना। अब अगर मोदी जी उनको चुनाव में टिकट दे दें, जमानत जब्त करा दें, नहीं अब बताओ उनके मन में क्या होगा मोदी जी के जमानत जब्त हो जाए, यही होगा ना। ये तो होगा नहीं कि स्वामी जी जो है मेरे से भी ज्यादा वोटर से जीत के आ जाए। मन की उनकी इच्छा क्या होगी, हार जाए और जमानत जब्त हो जाए। तो ईवीएम के माध्यम से अगर ऐसा पॉसिबल है तो मोदी जी क्या सुब्रमण्यम स्वामी जी को छोड़ देंगे? ये मैं जो निष्कर्ष निकालना है मैं आपके दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ। अच्छा बताइए मुझे कि अब मान लीजिए ईवीएम तो हटेगी नहीं, बीजेपी तो नहीं हटाएगी, फिर क्या करेंगे आप? जनता हटाएगी ना। मोदी जी क्यों हटाएंगे, अमित शाह जी क्यों हटाएंगे, खुद ही चुनाव हार जाएंगे तो वो क्यों हटाएंगे? उनकी तो जिंदगी और मौत, जो झूठ का जो उन्होंने मुलम्मा चढ़ाया है 150 लाख करोड़ का जो कर्जा लेके अडानी जी को दिया है, अंबानी जी को दिया और अपने बहुत सारे दूसरे मित्रों को दिया है, वो कैसे जनता तो उनको एक एक देखिए। आज जनता अगर ईमानदारी से मोदी जी काम करते तो 15 लाख का वादा झूठा नहीं था, सच्चा था। 15 लाख नहीं, 1-1 करोड़ हर परिवार को मिल सकते हैं एक्चुअली। लेकिन वो आए भी पैसे 15 लाख के सारे, लेकिन दे दिया अडानी जी को। ये जो खेल है ना, ये ईवीएम के माध्यम से ही हो सकता है, वरना भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की लोगों की शक्लों से लोग नफरत करते हैं। आज पन्ना प्रमुखों से आप बात कर लीजिए, वो अलग बात कह रहे हैं, मुझे बहुत सारे पन्ना प्रमुख भी अप्रोच करते हैं, वो और बात कह रहे हैं भाई ये तो हमारी जो अगले बार से अगर इस बार ये चुनाव जीत गए तो हमें जो 10-10, 12-12 हज़ार रुपये महीना मिलता है पन्ना प्रमुखों का, वो भी चला जाएगा, उसकी भी जरूरत नहीं है। वो कहेंगे तुम भागो, तुम्हारी जरूरत थोड़ी है हमें वोट दिलवाने के लिए या कैंपेनिंग करने के लिए या बूथ पे बैठने के लिए, हम तो ईवीएम से जीतेंगे, गेट आउट। तो पन्ना प्रमुखों का दर्द भी मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनके आरएसएस और बीजेपी के हैं। किस किस की बात बताऊँ मैं आपको? अच्छा तो आप लोगों की अगली प्लानिंग क्या है? हमारी प्लानिंग साफ है, मतलब हमारी क्या है, जनता की प्लानिंग है जो जनता हमें बता रही है। जनता हमें कह रही है कि हर एक जो 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 जिस जिस जगह पे ये गोदाम है ना, जहाँ पे ईवीएम की मशीनें रखी जा रही हैं, हर एक पोलिंग बूथ पे जहाँ पे वो एसएलयू बनाने आएंगे, वैसे तो वहाँ तक की नौबत ही नहीं आएगी, और हर एक रिटर्निंग ऑफिसर जो 543 के 543 रिटर्निंग ऑफिसर्स जो डीएम्स हैं उनके घर के बाहर जनता ये कह रही है हम पीसफुल प्रोटेस्ट लगाएंगे, जैसे सीएनआरसी में लगाए थे हम लोगों ने और जैसे किसान आंदोलन में लगाए थे, और हम देखेंगे कौन ईवीएम लेके आएगा अंदर उन जगहों पे, कौन एसएलयू में लेके जाएगा, हम देखेंगे फिर क्या रास्ता बचेगा, सिर्फ पेपर बैलेट का। तो पेपर बैलेट का कानूनी रास्ता जो अभी पहला रास्ता जो कानून चाहता है वही है, उसी से होंगे चुनाव। और मोदी जी देखिए, अगर उनके बारे में ये कहा जाए, अगर उनको बुरी लग गई ना बात, तो वो कहेंगे लो मैंने पेपर बैलेट से चुनाव कर दिया, इतना बड़ा मुझे आप गद्दार कह रहे हो, धोखाबाजी कह रहे हो, ये कुछ नहीं, मैं पेपर बैलेट से भी 400 पार करूंगा। आप कितना भी चढ़ा लीजिए, इतने पानी में चढ़ेंगे नहीं, नहीं चढ़ेंगे, बहुत होशियार हैं। हाँ, इतना इतना नहीं, आप कह देंगे वो करा देंगे, हम नहीं, जनता कहेगी, इतने सीधे वो भी नहीं है। नहीं, वो फिर ये कहेंगे कि उन्होंने जो पैसा कमाया है अडानी जी के साथ मिलके, उसके हर एक बूथ पे गुंडे बदमाश मवाली लगा के बूथ कैप्चर कराएंगे, ये काम कर लें। लेकिन मुझे लगता है इसमें भी उन्हें खतरा है कि जनता उन्हें बूथ कैप्चर पेपर बैलेट के माध्यम से बूथ कैप्चर भी नहीं करने देगी, ये उनका डर, मुझे जायज डर लगता है। आंदोलन कौन करेगा, सब नेता जेल चले जा रहे हैं, तो जेलों से ही तो आंदोलन होता है। अच्छा, नंबर आपका भी आ जाएगा? मेरा तो बहुत पहले आने की कोशिश हो चुकी है और मैं तो हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी जेल भिजवाएं, मेरी कुछ सेहत ठीक हो जाएगी, मैं एक्सरसाइज खाना वाना खा के अच्छी सेहत वाला हो जाऊंगा। लेकिन जनता क्या करेगी इससे डर के, वो अरेस्ट नहीं करते। देखिए, अरेस्ट उन्हीं लोगों को कर रहे हैं जो लोग कुछ ना कुछ जिनके मन में डर है। हमें जेल के अंदर रखें या जेल के बाहर रखें, हमें कोर्ट में तो लाएंगे ही ना, हम अपना केस खुद लड़ेंगे और वहाँ पे जो कोर्ट में बहस होगी वो पूरी दुनिया देखेगी। तो प्लीज़ मुझे जेल भिजवा दें मोदी जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मैं आपका बड़ा एहसान मंद हूँ, भिजवा दें। अमित शाह जी भी फेल हो गए, अब आप ही कमान हाथ में ले लें अपने। आपको डर नहीं लगता अमित शाह जी के लिए, मोदी के लिए ऐसे ऐसे बोल देते हैं? मुझे बहुत डर लगता है देश की जनता से, और देश की जनता जो हमसे नाराज़ हो जाएगी उससे डर लगता है। मोदी जी क्या है, मोदी जी तो इस जनता के नौकर हैं, और उसको और ऐसे नौकर हैं जिसको जनता पसंद भी नहीं करती, और मैं ऐसा नौकर हूं जिसको जनता आज पसंद कर रही है। तो मैं भैया पसंदीदा नौकर रहना चाहता हूं जनता का, ऐसे नौकरों से क्या डरना जो कि जनता की नफरत अभी उन्होंने अर्न कर ली है इतनी ज़्यादा। और डर तो सिर्फ ऊपर वाले से होना चाहिए, और डर जिसके मन में, अच्छा आपको डर नहीं लगता मैं काउंटर क्वेश्चन पूछूं आपसे, तो क्यों नहीं लगता?
थोड़े बच गया हूँ मैं। तो मैं वही कह रहा हूँ ना, तो हर वो आदमी जो ईमानदार है, जो जनता का सच्चा सेवक है, देखिए पत्रकार जो ईमानदार पत्रकार है वो भी जनता का नौकर और सच्चा सेवक है। तो आप ईमानदार हैं, आपके ऊपर भी कम अटेम्प्ट तो हुए नहीं है, मुझे पता लगा है, तो नहीं कर पाए कुछ। तो ये ईमानदारी से साथ जो आगे बढ़ेगा ना, वो ऊपर वाला भी मदद करेगा उसकी, और दुनिया में भी वो किसी के सामने आंख झुका के नहीं, आंख और सीरा चौड़ा करके बात करेगा। हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम भारत के संविधान और कानून की मदद से हर उस चोर को जो देश के साथ गद्दारी और धोखा कर रहा है उसको जेल भिजवाने का काम हम लोग करेंगे, ये बात का वादा हम देश से करते हैं। ईवीएम हट गई तो प्राचा साहब चुनाव लड़ेंगे? नहीं, प्राचा साहब चुनाव तो ईवीएम से लड़के भी जीत सकते हैं। कैसे? उसका भी तरीके होते हैं हर चीज के। ये तो आपने बड़े बड़े कह रहे हैं, जब मोदी जी के हाथ में तो आपको कुछ जिता देंगे वो। देखिए उसके बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका मैं आपको बताई देता हूँ, और उसको ठीक करने के लिए इन्होंने बड़ा कलाकारी की है 2017 के बाद से, 16 के बाद से। पहले ऐसा था कि ईवीएम से चुनाव हो ही नहीं सकते अगर 64 से ज्यादा कैंडिडेट्स एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में आ जाएंगे। अभी उन्होंने वो संख्या बढ़ा के 300 की कर दी है, ऐसी इंप्रूवमेंट करा ली, तो हम 400 वो भरवा देंगे नॉमिनेशन पेपर किसी से, किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, उससे पेपर बैलेट से चुनाव हो जाएंगे। ये देखिए दिमाग से बढ़कर, और अगर ईमानदार व्यक्ति के दिमाग से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो एक रास्ता तो मैंने बता दिया आपको, तरकीब इतना आसान है, तरकीब हर चीज़ की होती है। आदमी में करने का जज्बा और जोश होना चाहिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मुझे पूरा भरोसा है कांग्रेस पार्टी हो या दूसरी अपोजिशन पार्टीज हो, अभी 31 तारीख को आपने शरद पवार जी को देखा, इतनी बारिश में भी चल के आए थे। तो ये सब पॉलिटिकल पार्टीज जनता के इस आदेश को कि पेपर बैलेट से चुनाव कराने मान रही हैं, और बहुत जल्दी आपको सारी पॉलिटिकल पार्टीज इस आंदोलन में हम लोगों से भी आगे नजर आएंगी, और हम उस दिन के लिए इंतजार भी कर रहे हैं और इनका वेलकम भी करेंगे। अच्छा एक बात और बड़ी मजेदार बताऊं, प्राचा साहब ने ये सब तो लड़ाई लड़ी है, लेकिन देश के सबसे ईमानदार पत्रकार के भी सलाहकार वकील रहे हैं वो, समझ गए ना सबसे ईमानदार कौन? सुधीर चौधरी। याद है आपको वो एक बार वो नवीन जिंदल के संग 100-150 करोड़ की रिश्वत में पकड़े गए थे, उससे पहले प्राचा साहब क्या दौर था वो जब आप सुधीर चौधरी की भी बकाल मत किया करते? ये तंज का आपने सिस्टम आपने भी इख्तियार कर लिया। सबसे ईमानदार नहीं है वो, वो इतिहास में जैसे मोदी जी से बड़ा ईमानदार व्यक्ति ना आज तक पैदा हुआ है, ना आगे कभी पैदा होगा, और ना आज के दौर में है, उसी प्रकार से वो उस रेस में शामिल है। और ये उनको मैं तकमा दे नहीं सकता कि वो सबसे ईमानदार पत्रकार पैदा जो पहले हुआ है, आज है और आगे वाले, क्योंकि उस रेस में बहुत सारे लोग शामिल हैं और बहुत मजबूती के साथ इस कंपटीशन में हिस्सा ले रहे हैं, उसमें बहुत सारे नाम हैं, और सारे अच्छे अच्छे कोट पहन के और अच्छे अच्छे कपड़े पहन के सब टेलीविजन्स में नज़र आते हैं, वो सब उस रेस में शामिल हैं। सुधीर चौधरी जी थोड़ा आजकल अर्नब जी को भी थोड़ा आगे मात करके, मतलब उन्होंने अपना ज़मीर बेचने में सबसे आगे अपने आप को रखा हुआ है, ये उनका क्रेडिबिलिटी है। और वो जब तक मैं उनका सलाहकार था तो वो इतने बड़े बड़े काम नहीं करते थे, फिर वो जब मुझसे दूर चले गए थे थोड़ा, तो फिर नवीन जिंदल जी वाला काम किया उन्होंने, तो उसके बाद तो पूरी दुनिया ने देखा, उस केस में भी मैंने उनकी काफ़ी मदद की थी, और अब मैं वैसे पछता भी रहा हूँ, लेकिन वकीलों का काम होता है लुच्चे लफंगे बदमाशों को भी छुड़ाना, क्योंकि भारत के संविधान में ऐसा है और दुनिया भर में प्रोविजन ऐसा है कि एवरीबडी इज़ प्रिज्यूम टू बी इनोसेंट टिल ही इज़ प्रूवन गिल्टी। तो वो मेरा आजकल में, अगर आजकल के दौर में अगर वो मेरे पास आएंगे, और आना पड़ेगा, सरकार बदलेगी तो आएंगे, अब मैं उनके केसेस नहीं लूँगा, क्योंकि हमारी वजह से भी ऐसे ऐसे, क्या बोलो इनको, ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स जर्नलिस्ट बनने का ढोंग कर रहे हैं जिनको जर्नलिस्ट का, जर्नलिज्म का जे नहीं आता। ये टीवी पे अपनी भाषा का इस्तेमाल करके, धीरे धीरे शब्द बोल के, बड़े सौम्य तरीके से शब्द बोल के, ये फरेब और धोखा जो ये लोग कर रहे हैं, ये जर्नलिज्म के नाम पे कलंक हैं। और आने वाले समय में जब अच्छे लोग आएंगे, इन सब लोगों को हम लोग जेल भिजवाएंगे, इस बात से ये देश की जनता जान ले। इस समय देश में ईमानदार पत्रकारिता सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से हो रही है। आप लोगों ने इनका जो वो शीन है ना, यू हैव टेकन अवे देयर शीन, आज लोग इनको विश्वास नहीं करते, इनको बेईमान मानते हैं। ये सोशल मीडिया को क्रेडिट जाता है, इन लोगों ने, सोशल मीडिया के मुट्ठी भर लोगों ने जो आंदोलन शुरू किया था, आज ये मेनस्ट्रीम मीडिया को ख़त्म करके नंबर वन जो जर्नलिज्म हो रहा है आज, और वो जेन्युइन जर्नलिज्म सोशल मीडिया से हो रहा है, और ये बात आगे आने वाले टाइम में और मजबूत होगी, लोग टेलीविजन देखना बंद कर देंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया प्राचा साहब, आज आपने इतना समय दिया, धन्यवाद। बहुत एक शानदार व्यक्ति से और शानदार बातें हमने करी। अब इंतजार है मुझे आपके कमेंट का, अपनी राय बताइएगा कैसी लगी आपको बातचीत, और ईवीएम को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी राय का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।